हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द ज्ञान गंगा एकेडमीज इंटरेक्टिव क्लासेस हेलो एवरीवन टुडे वी विल वर्क इन टू सब्जेक्ट्स फर्स्ट इन इंग्लिश एंड सेकंड इन हिंदी वी विल स्टार्ट विद इंग्लिश एंड स्टूडेंट्स दिस इज योर इंग्लिश राइटिंग बुक कर्सिव कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स बच्चों आज हम टू सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे पहले हम इंग्लिश में वर्क करेंगे और उसके बाद हम हिंदी में वर्क करेंगे और ये आपकी इंग्लिश की राइटिंग बुक है कर्सिव कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर फोर्टी और अब हम आपकी इंग्लिश की राइटिंग बुक के पेज नंबर फोर्टी पर हैं तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर फोर्टी निकालेंगे एंड आर टूडेज टॉपिक इज स्मॉल लेटर एस एंड स्मॉल लेटर टी आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल लेटर एस और स्मॉल लेटर टी तो हम अपने बुक में इसको पहले ट्रेसिंग वाली लाइंस पर और फिर जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर डॉट्स की हेल्प से इन लेटर्स को लिखना सीखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एस से राइट तो ये है एस स्मॉल लेटर एस एंड एस फॉर स्टार एस एस फॉर स्टार स्टार किसको बोलते हैं जिसे आप रात को देखते हैं आसमान में ठीक है ना उसे स्टार कहते हैं और हिंदी में उसको तारा बोलते हैं जो कि आसमान में चमकते हैं ठीक है ना स्टार तो एस स्टार तो स्टार के लिए एस हमें कैसे बनाना है डॉट स्टार्ट करते हुए हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे ये देखिए, ऊपर की तरफ ले गए एक छोटा सा सर्कल बनाया और एक कर्व बनाते हुए स्लैंटिंग लाइन छोटा सा सर्कल ये कर्व बनाया और फिर इसको दोबारा से वापस लेके आए इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया इस तरीके से तो ये बन जाएगा स्मॉल लेटर एस तो हम इसको पहले ट्रेसिंग पर बनाकर देखेंगे देखिए स्लंटिंग लाइन एक छोटा सा सर्कल कर्व बनाया और फिर इसको वापस लेके आए और यहां से इसको बाहर की तरफ को निकाल दिया तो ये बन जाएगा स्मॉल लेटर एस स्मॉल लेटर एस एस फॉर स्टार राइट एस फॉर स्टार एस फॉर स्टार एस फॉर स्टार राइट स्टूडेंट्स तो ये तो हो गया आपका ट्रेसिंग पर एस अब उसके बाद जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर देखेंगे हम कि हम इस लेटर को कैसे बनाएंगे तो यहां पर आपको सिंगल डॉट दिया गया है अब हम क्या करेंगे एक डॉट हम यहाँ ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे उसके बाद जो डॉट हमें दिया गया है यहां से स्टार्ट करते हुए हम एक स्ल्टिंग लाइन ले जाएंगे ऊपर और तो फिर एक छोटा सा सर्कल और यहां से हम ऐसे कर्व बनाएंगे और फिर इसको वापस लेके आएंगे तो इसको ऐसे कर देंगे तो ये बन जाएगा स्मॉल लेटर एस राइट स्लंटिंग लाइन एक छोटा सा सर्कल कर्व बनाया और फिर इसको वापस ले आया यहां से तो ये बन जाएगा स्टार। समझ में आ रहा है आपको कैसे बनाना है इसको एक डॉट लगाया हमने यहां से ले गए लाइन ऊपर स्लंटिंग लाइन फिर एक छोटा सा सर्कल कर्व किया और फिर इसको वापस ले गए और इसको ऐसे बना दिया यहां से तो यहां पे बन जाएगा स्मॉल लेटर S. ये देखिए राइट तो इस तरीके से आप भी अपनी बुक में इस लेटर को बनाएंगे डॉट्स की हेल्प से एस फॉर स्टार एस फॉर स्टार स्ल्टिंग लाइन सर्कल कर्व और ये इस तरीके से एक कर्व बना देंगे तो ये बन जाएगा स्मॉल लेटर एस राइट स्टूडेंट्स तो ये हमने डॉट्स की हेल्प से यहां पर स्मॉल लेटर एस बनाया तो आप भी इसी तरीके से पहले ट्रेसिंग वाली लाइन पर और फिर जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर डॉट्स की हेल्प से इस तरीके से स्मॉल लेटर एस अपने बुक में पेज नंबर फोर्टी पर बनाएंगे और अब हम चलते हैं पेज नंबर फोर्टी वन पर जहां पर हमें दिया गया है स्मॉल लेटर टी तो यहां पर ये देखिए दिस इज टी एंड टी फॉर टीचर टी एंड टी फॉर टीचर टी से किस, टीचर किसे बोलते हैं टीचर बोलते हैं अध्यापक को या शिक्षक को जो की हमें स्कूल में या कहीं पर भी जो हमें पढ़ाते हैं उसे बोलते हैं टीचर तो ये टी टी फॉर टीचर तो यहाँ पर हम स्मॉल लेटर टी ड्रेसिंग लाइन पर और उसके बाद फिर डॉट्स की हेल्प से अपनी बुक में बनाएंगे तो चलिए यहाँ पर डॉट्स स्टार्ट करते हुए आप और इस तरीके से कर्व बनाएंगे देखिए ऊपर लेके ले के, यहां से कर्व करके इसको इस तरीके से लेके आएंगे जैसे हमने स्मॉल लेटर एल बनाया था तो कुछ कुछ ये स्मॉल लेटर एल की तरह है लेकिन इसमें क्या करना है हमें बीच में कट करना है तो ये बन जाएगा टी ठीक है ना यहां से ये एल की तरह ही बनेगा बस बीच में इसमें कट कर देना है तो ये बन जाएगा स्मॉल लेटर टी टी फॉर टीचर टी फॉर Teacher T फॉर teacher right तो आप भी अपनी बुक में इस तरीके से डॉट से start करते हुए इस letter को बनाएंगे ठीक है ना T फॉर teacher L की तरह हमें इसे बनाना है और फिर बीच में से एक कट कर देना है तो बन जाएगा राइट right? और अब उसके बाद जहां पर हमें ट्रेसिंग नहीं दी गई है वहां पर हम डॉट्स की हेल्प से किस तरीके से बनाएंगे चलिए ये देखते हैं यहां यहां पर हमें एक 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 सिंगल डॉट डॉट दिया गया अब हम क्या करेंगे लाइन में ऊपर रेड लाइन में लगा देंगे रेड वाली लाइन में लगेगा अब क्या करना है हमें पहले वाले डॉट से एक स्लटिंग लाइन यहां तक ले जानी है और फिर यहां से कर्व करके इसको ऐसे लेके आना है और फिर बीच में यहां पर एक कट लगाना है तो बन जाएगा ये टी स्मॉल लेटर टी राइट स्लांटिंग लाइन और फिर यहां से कर्व करके लाएंगे ऐसे ब्लू लाइन तक और फिर बीच में कट कर देंगे स्लांटिंग लाइन कर्व करके लाए और फिर बीच में कट कर दिया स्लटिंग लाइन कर्व और बीच में कट कर दिया स्लैंटिंग लाइन कर और बीच में कट कर दिया राइट तो जैसे हमने स्मॉल लेटर एल बनाया था उसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे बस बीच में इसमें एक हमें कट करना है ये ध्यान रखेंगे है ना टी में एक कट हमें डालना है बीच में इस तरीके से एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन डाल देंगे तो ये बन जाएगा स्मॉल लेटर टी ये स्लीपिंग लाइन एक बीच में आ गई कट करके तो ये बन गया टी राइट स्टूडेंट्स तो इस तरीके से अपनी बुक में आप क्या करेंगे डॉट्स की हेल्प से इस तरीके से पेज नंबर फोर्टी टू में स्मॉल लेटर टी बनाएंगे पहले ऊपर ट्रेसिंग वाला करेंगे और उसके बाद फिर नीचे डॉट्स की हेल्प से इन लेटर्स को अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे और अब चलते हैं आपके सेकेंड वर्क पे आपकी हिंदी की बुक में एंड नाउ दिस इज योर हिंदी राइटिंग बुक शब्द कला एंड वी आर ऑन पेज नंबर थर्टी नाइन और अब हम आपकी हिंदी की राइटिंग बुक के पेज नंबर थर्टी नाइन पर हैं तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर थर्टी नाइन निकालेंगे एंड आर टूडे टॉपिक इज फोर लेटर वर्ड्स एक्सरसाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार अक्षरों से बने शब्दों की एक्सरसाइज या फिर उनके दिए हुए वाक्य तो यहाँ पर चार अक्षरों से चार अक्षरों से बने हुए दो वाक्य आपके लिए दिए गए हैं उसको आपको अपनी बुक में पहले ट्रेसिंग पर और फिर जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर उन लाइनिंग्स में कंप्लीट करना है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहला वाक्य है प न घ ट प न पन घट घट पन घट पर, पर चल, चल पनघट पर चल ठीक है ना पनघट किसे बोलते, है? हैं। है, पन बोलते हैं जहां से हम पानी भरते हैं जैसे यहाँ पर कुआं बना है इसको पनघट बोलते हैं जहां से पानी लेके आते हैं तो कह रहे हैं आपस आप में बातचीत कर रहे हैं दोनों की पनघट पर चल तो यहाँ पर हम पहले ट्रेसिंग वाली लाइन्स पर इस वाक्य को लिखेंगे और उसके बाद जो नीचे लाइन दी गई है उस पर लिखेंगे तो प न पन घट पन घट प र चल पनघट पर चल, पन चल राइट ये हो गया हमारा पहला वाक्य उसके बाद दूसरा है अदरक अदरक मत मत चख चख अदरक मत चख तो वो जो लड़की है वो उसको बोल रही है कि अदरक मत चख क्यों मना कर रही है वो उसको अदरक चखने से क्योंकि अदरक कैसा होता है अदरक कसेला कसेला होता है उसमें मिर्च सी लगती है है ना उसको कच्चा कम खाते हैं बच्चे मिर्च लग जाती है तो इसलिए वो उसको बोलती है अदरक मत चख अदरक म त मत च ख चख अदरक मत चख पूर्ण विराम ये वाक्य खत्म हो गया राइट तो इसी तरीके से आप भी यहाँ पर नीचे यहां पर पनघट पर चल और इधर वाली तरफ अदरक इन दोनों वाक्यों को अपनी बुक में पेज नंबर थर्टी नाइन साफ साफ हैंड राइटिंग में यहाँ पर लिखेंगे राइट right, स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही टेक केयर एंड गुड डे आई होप यू एंजॉयड आर वीडियो थैंक्स फॉर बीइंग विद